राजस्थान में मारवाड़ की सियासत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और विधायक मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली है। वो पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं। प्रदेश का बड़ा राजपूत वोट बैंक मानवेंद्र सिंह के कनेक्ट करता है। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर निर्दलीय से प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मानवेंद्र सिंह का प्रभाव मारवाड़ की 5 लोकसभा सीटों पर माना जाता है। इनमें नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर सिरोही सीटों पर है। 2004 से 2009 तक मानवेंद्र बाड़मेर जैसलमेर सीट से सांसद रहे हैं। मानवेंद्र के पिता जसवंत सिंह भी इस सीट से सांसद रहे हैं। राजस्थान में 8 से 10% राजपूत वोटर हैं। मारवाड़ के इलाकों में इनकी संख्या और अधिक है। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 20 लाख वोटर हैं। इनमें से 2.5 लाख राजपूत मतदाता हैं। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा ने जाट प्रत्याशियों को उतारा है, जबकि निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समुदाय से हैं, लिहाजा राजपूतों का रुझान उनकी तरफ अधिक माना जा रहा है। लेकिन मानवेंद्र सिंह के बीजेपी में आने से रविंद्र सिंह भाटी की सियासी राह में मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही जालौर सिराही लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव की राह में भी रोड़े आ सकते हैं। इस सीट पर 22 लाख वोटर हैं, जिनमें से 1.5 लाख राजपूत व भूमिया मतदाता हैं। मानवेंद्र के आने से सीट पर भी भाजपा के लुम्बाराम चौधरी को मजबूती मिल सकती है। अब देखना यह है कि मानवेंद्र के आने से भाजपा का सियासी समीकरण कितना सही होता है। क्या थार में इस बार मानवेंद्र का जादू चलेगा कि युवा नेतृत्व रविंद्र भाटी के सामने भाजपा घुटने टेक पाएगी या नहीं।